हेलो दोस्तों, आज ये एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये आप ही के एक क्लासमेट ने पूछा है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। द क्वेश्चन इज द जेके फ्लिप फ्लॉप शोन बिलो इज इनिशियली क्लियर्ड एंड देन क्लॉक्ड फॉर 5 पल्सेस। द सीक्वेंस एट द आउटपुट क्यू विल बी। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है और ये फिगर दिया हुआ है। ओके, तो इसमें पॉइंट नोट करना है सबसे पहले आपको कि ये फ्लिप फ्लॉप इनिशियली क्लियर्ड है। ओके, इनिशियली क्लियर्ड का मतलब आपकी इनिशियल कंडीशन यहां पर क्या है, जीरो है। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपके पास ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप का आपको टेबल याद होना चाहिए सबसे पहले। तो टेबल जेके फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है, जे के और क्यू एन प्लस वन। ओके, अगर 0 0 है तो प्रीवियस वैल्यू आपके पास रहेगी रिटेन, 0 1 है, जब आपके पास 0 1 होगा तो ये आपके पास वैल्यू होगी 0, जब ये आपके पास 1 0 होगा तो ये वैल्यू होगी 1, और जब ये आपके पास 1 1 होगा तो इट विल बिहेव एज ए टॉगल फ्लिप फ्लॉप, दैट इज क्यू एन बार। तो बस ये आपको याद रखना है, ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है ये। आपको 5 क्लॉक पल्सेस लगानी है, तो आप पहले इनिशियल कंडीशन लिख लीजिए यहाँ पे, इनिशियल स्टेट। ठीक है, यहाँ पर क्लॉक, यहाँ क्यू, इनिशियली क्यू क्या है आपके पास, 0 है। ठीक है, तो जैसे ही, क्योंकि आप क्या करेंगे, अब इनिशियल स्टेट हो गया आपके पास, और यहाँ पर आप लिख लीजिए, इसको ऐसे ना करके आप इसको ऐसे कीजिए कि यहाँ पर आप क्लॉक लीजिए और यहाँ जे के लीजिए। ओके, और ये क्यू एन प्लस वन लीजिए और ये इनिशियल कंडीशन लीजिए। तो इनिशियली आपके पास, क्योंकि जे एंड के कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, इनिशियली आपके पास क्यू एन प्लस वन जो है वो गिवन है, दैट इज 0। इनिशियली आपके पास फ्लिप फ्लॉप क्लियर्ड है। तो आपकी जब फर्स्ट क्लॉक आएगी तो ये, क्योंकि ये क्यू आपके पास फीडबैक में है, तो ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी। ओके, जे आपको 1 प्रोवाइडेड है तो आपके पास आ गया, आउटपुट शुड बी 1। जब सेकंड आ जाएगा, ओके, जब सेकंड क्लॉक आएगी तो ये 1 यहाँ आएगा, क्योंकि ये 1 फीडबैक होके यहाँ आ गया, तो 1 1। और जे क्योंकि ऑलरेडी 1 है तो 1 1 की स्टेट में आपके पास कंडीशन क्या है, क्यू एन बार, प्रीवियसली आपके पास क्यू 1 था तो अब आ जाएगा ये 0। जब थर्ड आएगा, थर्ड में फिर से ये आपके पास इधर गया 0, फिर ये 1 ही रहेगा क्योंकि ये 1 है परमानेंट। ओके, और ये आपका 1 0 के स्टेट में, फिर 1, फिर आपके पास फोर्थ, फोर्थ में ये 1 यहाँ आएगा। ओके, 1 1 की कंडीशन में ये प्रीवियस वैल्यू 1 थी तो ये 0 हो गया। और ये फिफ्थ, फिफ्थ में ये 0 यहाँ आया और ये 1। तो डाटा आपका क्या हो गया 5 क्लॉक पल्सेस के बाद, 0 1 0 1 0 1, एंड द आंसर इज डी, दिस वन। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्टूडेंट ने पूछा है। क्वेश्चन 2, इन दिस फिगर इनिशियली क्यू ए बी इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि ये इनिशियली 0 है तो ये आउटपुट आपकी क्लियर्ड है। After 3 clock triggers, the state of Q, A and B will be respectively is। आपको ये ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको बेटा सबसे पहले ध्यान से देखना है कि ये सर्किट क्या दिया हुआ है। ये आपके पास जेके फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है, जेके फ्लिप फ्लॉप में जे और के आपको 1 दिया हुआ है, इट मीन्स इट विल बिहेव एज ए टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ओके,
तो ये आपके पास टॉगल फ्लिप फ्लॉप की तरफ काम करेगा। ये आपके पास जो क्लॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्लॉक आपकी यहाँ पर गिवन है, ओके, यहाँ से आपने दिए हुए हैं। और जो सेकंड सर्किट दिया हुआ है जिसकी क्लॉक आपकी इस पे डिपेंड कर रही है, वो एक मॉड थ्री काउंटर है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा, आपके पास कि मॉड थ्री जो है वो आपका काउंट करेगा 0, 1, 2 तक, ओके, सिर्फ इतना ही काउंट करता है सबसे पहली बात, क्योंकि उसमें तीन ही स्टेट होती है मॉड थ्री में। दूसरी चीज टॉगल फ्लिप फ्लॉप का आप देख लेते हैं, तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप TFF आपके पास J और K की कंडीशन में जो आउटपुट आती है Q(n+1) वो आपके पास Qn बार आती है, यानी प्रीवियस वैल्यू की उल्टी आती है। तो बहुत ही सिंपल है इसको आपको सॉल्व करना, ओके। अभी इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। जब फर्स्ट क्लॉक आई, क्योंकि आपके पास क्या हुआ, आप इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए, ये आपके पास जे और के तो वन ही रहने वाला है, तो नो नीड टू राइट जे के हेयर, आप सिंपल लिखिए यहां पर Q(n+1) जो नेक्स्ट आने वाली है, ओके, और यहां पे लिखिए ए और ये बी। तो इनिशियल कंडीशन लिख दीजिए सबसे पहले। इनिशियल कंडीशन में आपके पास Q 0 दिया हुआ है, A 0 दिया हुआ है, B 0 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए इसमें कि आपके पास जब फर्स्ट क्लॉक आएगी यहां पर, ओके, तो आपके पास जो इस पर वैल्यू थी प्रीवियस वैल्यू, उसका टॉगल हो जाएगा। प्रीवियस वैल्यू थी 0, ये हो गया 1। नाउ 0 से 1 मींस इट इज ए पल्स फॉर दिस क्लॉक, सॉरी दिस सर्किट। और जब ये इसके लिए ये पहली क्लॉक आई है, तो पहली क्लॉक आई है तो ये वैल्यू हो गई 0 से 1, क्योंकि इट्स ए काउंटर, एक अप हो जाएगा। नेक्स्ट, जब नेक्स्ट क्लॉक आई है यहां पर, ओके, जब नेक्स्ट क्लॉक आएगी तो ये वैल्यू आपके पास, क्योंकि यहां पर ये 1 हो चुका है, ये 1 से अब 0 हो जाएगा, ये 1 से 0 हो गया। 1 से 0 मींस इट्स ए नेगेटिव एज, तो आपको एक ही एज कंसीडर कर रही है, चाहे आप पॉजिटिव एज कंसीडर करें चाहे नेगेटिव, लेकिन इसमें हमने पॉजिटिव एज कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहां पे हमने इसमें पॉजिटिव एज लिया है, तो यहां पे भी हम पॉजिटिव एज लेंगे, ठीक है। तो इस सर्किट के लिए ये एज नहीं है, बिकॉज ये आपके पास एक नेगेटिव एज हो गई, तो ये सर्किट आपके पास डिसेबल मोड में रहेगा उस केस में, तो यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। जब थर्ड पल्स आएगी, थर्ड पल्स के बाद, क्योंकि ये प्रीवियस वैल्यू 0 थी, तो 0 से वापस क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, चेंज होकर 0 से 1 टॉगल फ्लिप फ्लॉप में, क्योंकि आपके पास जे और के 1 1 है। और जब ये 0 से 1 हुआ, इट मींस इट इज ए पॉजिटिव एज फॉर नेक्स्ट सर्किट, नेक्स्ट सर्किट पॉजिटिव एज मिल गई है नेक्स्ट सर्किट को, तो आपका ये एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, दैट इज 1 0। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, आंसर इज सॉरी सी 1 1 0 1 1 0, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।